Hello friends, myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So today I will discuss very important topic of 11th NCERT, that is the living bird. It is the very basic and conceptual topic of 11th NCERT. I hope you really enjoy this session. So let's start without wasting any time. What is living? Living kya hai? Iske baare mein hum discuss karenge. When we try to defining living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. Living organism क्या है इसके बारे इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं. सबसे पहले होता है ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस ऑफ एनवायरनमेंट होता है, ये सब चीज, और मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये हमारा लिविंग के फीचर्स आते हैं. बट इसमें जो अनएक्सेप्शनल जो होता है वो कुछ अलग होता है, इसको हम डिफाइनिंग फीचर्स मानते हैं, वो कुछ अलग होता है. बाकी ये फीचर्स तो आते हैं लिविंग में होते हैं ये, बट ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है लिविंग के. तो हम देख लेते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ग्रो करते हैं, ये तो बात सत्य है भाई. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, किसी का मास इंक्रीज हो रहा है, किसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ग्रोथ कर रहा है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीजन. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं. इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स, जो हमारे प्लांट में होते हैं वो ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ होती है वो हमारी कंटिन्यूसली होती है थ्रू लाइफ स्पान. प्लांट्स में जो होते हैं हमारी ग्रोथ होती है पूरे जीवन काल में होती है, लाइफ स्पान में होती रहती है. बट इन एनिमल द ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, बट इन एनिमल में जो होता है एक सर्टेन एज तक ग्रोथ हमारी देखी जाती है. हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट, इसके बाद जो हमारे एनिमल्स में जो होते हैं हमारे ग्रोथ वाले टिश्यूज होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, लॉस्ट, अपने डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर देते हैं, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी हमारे सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं. वंस कैन ईजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग नंबर ऑफ द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. जो हमारे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं, और हम इसको इजीली इन विट्रो कल्चर में सिंपली काउंटिंग द नंबर अंडर द माइक्रोस्कोप, उनका नंबर हम माइक्रोस्कोप में काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रो रिप्रोडक्शन, ज़्यादातर जितने हमारे हायर एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन आर मेचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जो हमारे हायर एनिमल और प्लांट्स में जो होता है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है एक्सक्लूसिवली इवेंट होते हैं. वन मस्ट रिमेंबर डेट इंक्रीज इन बॉडी मास कंसाइडर एज ग्रोथ, ये हम देखते हैं कि जो हमारा बॉडी मास होता है उसको हम ग्रोथ में कंसाइडर करते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी हमारे ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो, वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. जब हम बॉडी मास इंक्रीज होने को एक क्राइटेरिया ग्रोथ का मानते हैं कि हमारा किसी चीज़ का बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे. तो हमारे नॉन इस टाइप से ग्रोथ हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, जैसे हमारे माउंटेन हो गए, पर्वत हो गए, सैंड माउंटेन हो गए, डू ग्रो, ये पर्वत हमारे होते हैं ये भी ग्रो करते हैं. हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इच बाय एक्यूमुलेशन, जो हमारे इस टाइप की ग्रोथ होती है ये हमारी एक्यूमुलेशन होती है. एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, मतलब किसी की सरफेस में एक्यूमुलेशन होता है तो इस टाइप से ग्रोथ होती है. तो इसको हम टू टाइप, एक एक्रीशन होता है, एक इंट्रोसेप्शन होता है. एक्रीशन मतलब किसी सरफेस पे ग्रोथ हो तो उसको हम एक्रीशन बोलते हैं, मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. इंट्रोसेप्शन मतलब इंटरनल ग्रोथ होती है. तो ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारी ग्रोथ होती है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है लिविंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम उसी को मानेंगे जो सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो। तो हमने देखा कि ग्रोथ जो होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे नॉन लिविंग, जैसे माउंटेन हो गया, इसमें भी ग्रोथ होती है बाय एक्यूमुलेशन होता है। तो ये हमारा ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा नॉन लिविंग में भी हो रहा है। सो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंडीशन अंडर विच कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बी एक्सप्लेन्ड एंड देन अंडरस्टैंड डेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। हम लिविंग की फीचर्स वही मानेंगे जो सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसमें दिया गया है, रिप्रोडक्शन लाइक वाइस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की हमारा कैरेक्टरिस्टिक का फीचर्स है या नहीं है, ये हम देख लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी। री मतलब होता है बार बार, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ का बनना, बार बार किसी चीज़ का बनना तो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, बार बार किसी चीज़ का बनना हमारा रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेस फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू देयर दोज ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिफर टू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब प्रोडक्शन हो और वो अपने पेरेंट्स के लेस सिमिलर हो या मोर सिमिलर हो, तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इनवेरेबिलिटी इम्प्लिसिटी ऑफ रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एसेक्सुअल से भी रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है। फंजाई एंड स्प्रेड, फंजाई स्प्रेड ईजिली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, जो फंडाई होता है हमारा फंजाई होता है, स्प्रेड ईजिली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, जो हमारा फंजाई मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उससे हमारा स्प्रेड होता है, ईजिली स्प्रेड होता है। इन लोबल ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, जो हमारा ईस्ट एंड हाइड्रा होता है उसमें हमारा बडिंग होता है, ऑब्जर्व बडिंग। जो प्लेनेरिया होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये प्लेनेरिया जो होता है, क्या होता है प्लेनेरिया, मतलब प्लेन से हम ऐसे बोलते हैं इसको याद करने के लिए, प्लेनेरिया जो होता है प्लेन मतलब होता है फ्लैट मतलब फ्लैट वर्म। ठीक है, तो हिंदी में हम इनको बोलते हैं चपटा कृमि, तो फ्लैट वर्म होता है हमारा, प्लेटल हेमिनिडेज का होता है ये मेंबर। सो वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, जो हमारा प्लेनेरिया में होता है क्या होता है सबसे ज़्यादा ट्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है ए फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब किसी बॉडी का पार्ट काट के हटा दिया जाए तो वो फिर से रीजनरेट हो जाए, मतलब अपने आप से वो पार्ट बन जाए बॉडी का, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन, जो हमारा कि प्लेनेरिया में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में, मेडिकल एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इन प्लेनेरिया फ्लैट वर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन डेट इज ए फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेटेड द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अपना बॉडी का पार्ट लॉस्ट कर दें वो फिर से बन जाए। ठीक है, द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी, द फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनिमा मोसिस आर इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन भी यही होता है, मतलब किसी बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो जाए और वो फिर से बन जाए। वेन इट कम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी की बात करते हैं, अमीबा की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स विद ग्रोथ। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारा, एल्गी हो गया, अमीबा की बात करते हैं, तो हमारा रिप्रोडक्शन ग्रोथ के सिनोनिम्स होता है, मतलब रिप्रोडक्शन भी होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो हमारे वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा तो भी हमारी वृद्धि होगी,
संख्या में, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, तो हम ये ग्रोथ बोलेंगे इसको। वी आर ऑलरेडी डिफाइनिंग ग्रोथ ऑफ द इक्विवेलेंट इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, ये हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर लिया है कि इंक्रीज इन सेल नंबर और मास को हम ग्रोथ बोलते हैं। हेंस वी नोटिस डेट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये हमने देखा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम इतना क्लियरली नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि इनमें ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों में अगर इंक्रीज नंबर इंक्रीज होगा तो हम उसको, साइज इंक्रीज होगा तो भी हमारा ग्रोथ है, नंबर इंक्रीज होगा तो भी हमारा ग्रोथ है, ठीक है। तो हिंस वी नोटेड डेट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर डेट यूजेज ऑफ टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे हमारा म्यूल हो गया, स्टराइल वर्कर बी हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया। ये हमारे म्यूल्स हो गए, स्टराइल वर्कर बी हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, ये हमारे लिविंग तो हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जो हमारा म्यूल होता है, म्यूल हमारा जो होता है जिसको हम बोलते हैं खच्चर, हिंदी में खच्चर बोलते हैं, तो हमारा ये कैसे बनता है ये हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा म्यूल जो होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, जिसमें कि मेल डंकी होता है और फीमेल हॉर्स होती है, उससे हमारा म्यूल बनता है, ठीक है। स्टराइल वर्कर भी जो होती है हमारी, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ फंक्शनल डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होती है, फीमेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मानेंगे लिविंग का, बिकॉज क्योंकि कुछ हमारे लिविंग तो हैं, जैसे हमारे म्यूल हो गया, स्टराइल वर्कर भी हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये लिविंग तो हैं, जीवित हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम इसलिए लिविंग का फीचर्स नहीं मानेंगे। ऑफकोर्स नॉन लिविंग ये हम देखेंगे, ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वी कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू ग्रोथ और रिप्लिकेटिंग और इटसेल्फ, तुम्हारा ये हो गया लिविंग का फीचर्स नहीं है रिप्रोडक्शन। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ये हम देखेंगे। अनदर जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे केमिकल के मिलकर बने होते हैं। दीज केमिकल स्मॉल और बिग, ये केमिकल जो हमारे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वेरियस क्लासेस में, मतलब डिफरेंट क्लासेस के हो सकते हैं, उनका साइज अलग हो सकता है, फंक्शन अलग हो सकता है, बट बने होते हैं हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे केमिकल के ही बने होते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड अप ऑफ द चेंज इन टू द मदर बायो मॉलिक्यूल, मतलब ये इंटरचेंज होते हैं, एक बायो मॉलिक्यूल से दूसरे बायो मॉलिक्यूल में इंटरचेंज होते हैं। सो दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो ये हमारे कन्वर्जन को हम केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे एक साथ में हमारे बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं। दे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ऑल प्लांट्स ऑर्गेनिज्म फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, इतने प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, ये सारे मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। द सम ऑफ द टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, जितने सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में अकर्स होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नहीं करता है मेटाबॉलिज्म को, कोई भी हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करता है, तो मेटाबॉलिक
कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी सेल फ्री सिस्टम में भी डिमॉन्स्ट्रेटेड किया जा सकता है, मतलब परफॉर्म किया जा सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटेड द सेल फ्री सिस्टम एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन में आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। जो हमारा टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म होता है वो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, नाइदर नॉन लिविंग नाइदर नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक होता है इसको, तो ये बोलेंगे। हेंस वाइल मेटाबॉलिक इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ आर लिविंग, सो वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग का। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग, जो आइसोलेटेड जो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इन विट्रो में वो लिविंग नहीं होती है, बट सोली लिविंग रिएक्शन जो हमारी होती है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारा टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म होता है, लैब में परफॉर्म होता है, वो हमारा लिविंग नहीं होता है, बट उसकी जो रिएक्शन होती है वो सोली लिविंग रिएक्शन होती है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म, तो हम इसको मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर्स मानते हैं। परहैप्स द मोस्ट ऑबवियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एबिलिटी टू सेंस होता है देयर सराउंडिंग ऑफ एनवायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एबिलिटी टू सेंस होती है कि अपने सराउंडेड में एनवायरमेंट में कोई भी स्टिमुलाई होता है, जैसे हमारा स्टिमुलस होते हैं कोई केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, ये हमारे स्टिमुलस होते हैं। वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑफ ऑर्गन, जो हम इन्वायरमेंट में स्टिमुलस को सेंस करते हैं हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा हम सेंस करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट जो होते हैं वो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर हो गया लाइट हो गया वाटर हो गया टेम्परेचर हो गया लाइट वाटर टेम्परेचर हो गया एंड अदर ऑर्गेनिज्म जैसे पॉल्यूटेंट इट्स, मतलब हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई को मतलब सेंस करते हैं, जैसे लाइट को सेंस करते हैं तो फोटोट्रॉपिक होते हैं, और वाटर को होते हैं तो हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं, टेम्परेचर हो गया, अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट हो गए। इट्स ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज, जो हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट से लगा के मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में हमारे रखा गया है मोनेरा को, जो कि फाइव किंगडम में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो प्रोकैरियोट में हमारा मोनेरा को रखा गया है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट प्रोटिस्टा, फिर एनिमल में हमारे आ जाते हैं सारे, ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल क्यूज को सेंस करते हैं। फोटो पीरियड अफेक्टेड द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, जो हमारे फोटो पीरियड होता है वो हमारे सीजनल ब्रीडर को अफेक्ट करता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे कुछ प्लांट्स भी होते हैं सीजनल ब्रीडर, कुछ हमारे एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ह्यूमन तो होता है कंटिन्यूस ब्रीडर होता है, लगातार ब्रीड करता है, जो हमारे जितने ये प्राइमेट्स आते हैं ये हमारे प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं काऊ डंकी काऊ बफेलो डॉग्स, ये हमारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक इनका सीजन होता है तभी ये ब्रीड करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं केमिकल अपनी बॉडी में हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयर फॉर अवेयर टू देयर सराउंडिंग, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग में अवेयर होते हैं, सराउंडिंग से अवेयर होते हैं, बट ह्यूमन बींग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो ह्यूमन बींग होता है वो सिर्फ हिमसेल्फ अवेयर होता है, डेट इज सेल्फ कॉन्सनेस, जो कॉन्सनेस तो सभी में पाई जाती है, कॉन्सनेस तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सभी में पाई जाती है, बस जो खुद के लिए अवेयर हो तो सेल्फ कॉन्सनेस बोलते हैं उसको, सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है, उसको पता होता है कि इससे मुझे खतरा है, ये मुझे प्रॉब्लम करेगा, ये मुझे हार्म करेगा, सिर्फ ह्यूमन को पता होता है। अदर्स जो एनिमल्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये मुझे हार्म पहुंचाएगा, इससे मुझे डेंजरस है खतरा है, तो अदर को नहीं पता होता है।
कॉन्सियसनेस देयर फॉर बिकम ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्सियसनेस होती है हमारी, कॉन्सियसनेस जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। व्हेन इट कम इट ह्यूमन बीइंग इट इज द ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन डेट लिविंग स्टेज। जब हम ह्यूमन में आते हैं तो हमारा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि हमारा ये लिविंग है कि लिविंग स्टेट है या नहीं है। व्हेन वी ऑब्जर्व इन पेशेंट लाइन इन कोमा इन हॉस्पिटल। जैसे जब हमारा पेशेंट कोई होता है, ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमारे कोमा में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, वर्चुअल मशीन्स के द्वारा सपोर्ट होता है, वो अपना वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है उनके वर्चुअल मशीन्स के द्वारा सपोर्ट में वो हॉस्पिटल में होते हैं। जैसे किसी का हार्ट रिप्लेस हुआ, लंग्स रिप्लेस हुआ, द पेशेंट इज, और या फिर किसी का पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया, तो हम उनमें लिविंग या लिविंग है या नॉन लिविंग है तो हम इसको वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्सियसनेस। जब पेशेंट में कोई सेल्फ कॉन्सियसनेस नहीं होती, आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक देयर नॉर्मल लाइफ और लिविंग और नॉन लिविंग। तो ऐसी कंडीशन में हम, कोई पेशेंट कोमा में होता है, वो वर्चुअल मशीन के सपोर्ट में होता है, तो उसमें थोड़ा वो होता है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं लिविंग है नॉन लिविंग है, बट वो लिविंग होता है, वो हमारा लिविंग होता है, लिविंग है, उसकी सांसें हैं जो चल रही हैं, वो लिविंग है, बट उसको हम बोलते हैं ब्रेन डेड कंडीशन बोलते हैं, ब्रेन डेड कंडीशन बोलते हैं उसको हम, बट वो लिविंग है। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो डेट आर लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द कॉन्स्टिट्यूंट सेल। सिमिलरली वी प्रॉपर्टी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑर्गेनल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिकुलर कंपेरिजम ऑर्गेनल। हाई लेवल ऑफ फिनोमेना ट्रू हायरार्की। सो वी डिस्कस डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की हम डाइवर्सिटी को देखेंगे। सो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड हम देखते हैं, तो इफ वी लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। वी ईट पॉटेड प्लांट, कुछ पॉटेड प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, योर पेट्स पेट्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। देयर आर द सेबरल ऑर्गेनिज्म डेट कैन नॉट सी विद देयर नेक्ड आइज। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसको हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, बट दे आर अराउंड यू, वो सारे हमारे चारों तरफ हैं बट उनको अपने नेक राइट से नहीं देख सकते हैं। इफ़ वी वर इंक्रीज इन एरिया, जैसे जैसे हम अपने एरिया को इंक्रीज करते हैं, डेट वी मेक ऑब्जर्वेशन इन, जैसे जैसे हम अपना ऑब्जर्वेशन एरिया को इंक्रीज करते हैं, रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट सी वुड इंक्रीज। जैसे जैसे हम अपना ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखेंगे वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। छोटी एरिया का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहाँ पे उतने एरिया में उतने कम ऑर्गेनिज्म होंगे, और जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारे ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियसली इफ़ वी विजिट इन डेंस फॉरेस्ट, जैसे जैसे हम डेंस फॉरेस्ट में विजिट करेंगे, यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। जैसे हम डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, सो यू वुड प्रॉपरली सी मच ग्रेटर नंबर इन काइंड ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म इन इट। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल और ऑर्गेनिज्म डेट सी रिप्रेजेंटेड ए स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये हमारी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में जो हमारी ये स्पीसीज हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये हमारे रॉबर्ट में ने डिस्क्राइब किया था।
दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी, ये हमारी इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ, ये बायोडाइवर्सिटी है और जिससे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ में हमारे प्रेजेंट हैं। वी शुड रिमेंबर डेट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वन न्यू ऑर्गेनिज्म आंट कंटिन्यूसली बिंग आइडेंटिफाई। जैसे जैसे हम ओल्ड एरिया को छोड़ेंगे और न्यू एरिया में जाएंगे तो हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो लगातार हमारे आइडेंटिफाई होते रहेंगे। एज वी स्टेट अर्लियर देयर आर मिलियन और प्लांट एंड एनिमल वी वर्ल्ड, वी नो डेट प्लांट एंड एनिमल इन आवर ऑन एरिया बाई देयर लोकल नेम। कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोकल एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और उनका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है वो अलग होता है। दीज लोकल नेम वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हमारे लोकल नेम होते हैं वो हमारे प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहते हैं। मतलब एक स्थान में उसको हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं, उसी एनिमल या प्लांट्स को हम किसी दूसरी जगह किसी दूसरे नाम से जाने हैं। इवन विद इन ए कंट्री, ये सारे यानी यहाँ तक कि देश में पूरे देश में ये जगह प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान में ये लोकल नेम होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। प्रॉपरली यू वुड रिकग्नाइज इन द कन्फ्यूजन डेट वुड द क्रिएटिंग वी डिड नॉट फाइंड वे टू मीन्स टाक ईच अदर टू रिफर ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम ये हमारे जो नाम्स होते हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहते हैं तो हमको ये कन्फ्यूजन होता है कि हम उसी एनिमल या प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं जिस हम जानते हैं कि हमारे ये एनिमल है भाई, हम उसको भाई इसको हम फेस देखेंगे तो हमको पहचान जाएंगे कि ये एनिमल है हमारे यहाँ इसको इस नाम से जानते हैं बट यहाँ पे किसी अदर नाम से जानते हैं तो हमको कन्फ्यूजन होता है। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म को किस नाम से जानते जाने, उसके लिए एक ही नाम होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उस एनिमल या प्लांट्स को एक नाम से जाना जाना चाहिए। हेंस वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच डैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नो बाई सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। दिस प्रोसेस कॉल नॉमेनक्लेचर, तो इसके लिए हमने नॉमेनक्लेचर बनाया, नामकरण करना। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना कि मतलब इस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा, लोकल नेम जो होगा वो होगा बट साइंटिफिक नेम जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा। कि आप यहाँ पे इंडिया में पढ़ेंगे तो भी उस एनिमल और प्लांट का एक ही नाम होगा, अगर आप यूएसए में जाएंगे या कनाडा में जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो उसका एक ही नाम होगा। ठीक है, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म नेमिंग ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। जो हमारा नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर लें, उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर लें। एंड वी नो डेट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच टू इट, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करेंगे फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। द ऑर्डर ऑफ फैसिलिटेटेड द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड स्टेबलाइजिंग प्रोसीडर ऑफ असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म, दिस इज एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जो हमारा प्लांट का नॉमेनक्लेचर होता है वो अलग होता है और जो एनिमल का होता है हमारा वो अलग होता है। उनके लिए इंटरनेशनल जो हमारे कोड्स बनाए गए हैं वो अलग अलग हैं, प्लांट्स के लिए अलग है और एनिमल्स के लिए अलग हैं। जो हमारा प्लांट्स के लिए होता है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और जो हमारा एनिमल के लिए होता है वो हमारा होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजी से मतलब होता है हमारा जीव विज्ञान और बायोलॉजी से मतलब होता है हमारा वनस्पति विज्ञान। तो हमारा इस हिसाब से आ गया इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम इनसाइड डेट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, तो साइंटिफिक नेम जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसी नाम से उसको जानेंगे।
डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में पढ़ेंगे तो हमारा उस एनिमल का एक ही नाम होगा, टू अराइव द सेम नेम। दे आल्सो इंश्योर डेट सच नेम हैज नॉट बी यूज फॉर एनी अदर्स नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हम इससे इंश्योर हो जाते हैं कि हमारा इस ऑर्गेनिज्म का यही नाम होगा और ये वर्ड में कहीं भी पढ़ेंगे तो सेम नाम होगा और इसको हम किसी अदर नेम से नहीं जानेंगे। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म, जो बायोलॉजिस्ट थे हमारे उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम नो ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, ईच प्रत्येक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक नाम होता है जेनेरिक होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। द सिस्टम प्रोवाइडिंग ए नेम इज टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब जो हमारा सिस्टम होता है हुआ उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो होता है ईच नाम के टू पार्ट्स होते हैं, एक जेनेरिक होता है एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था कैरोलस लिनियस जो हमारे थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर थे। बींग प्रैक्टिस बाई बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड द नेम सिस्टम यूज टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। लेट्स योर टेक एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया था क्योंकि सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारा मैंगो के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, तो हम इसको देखते हैं। प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बिटर, जो हमारे कैलोनस वाले यूनियस थे ये अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड थे, इन्होंने अपना तीन वर्ड का नाम कार्ल वॉन लिनियस से हटा के कैरोलस लिनियस रख लिया, क्योंकि इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म के दो नाम दिए थे, एक जेनेरिक था और स्पेसिफिक एपिथेट था। तो साइंटिफिक नेम इज मैंगो इज रिटन मैंजीफेरा इंडिका, जो मैंगो का जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है उसको हम मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। जो मैंजीफेरा होता है तो हमारा ये जीनस है और जो इंडिका है हमारी स्पीशीज है। लेट सी हाउ टू बायनोमियल नेम, अब हम देखते हैं कि बायनोमियल नेम क्या था। दिस नेम इज मैंजीफेरा रिप्रेजेंटेड द जीनस, जो हमारा मैंजीफेरा जो था वो हमारा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंजीफेरा जो था हमारा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था। वही इंडिका जो था हमारा वो हमारा स्पीसीज को बता रहा था, जो अदर यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर के कुछ अदर्स रूल थे जो हमारे फॉलो होने चाहिए, जैसे जो हमारा है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और रिटन इन इटैलिक, अब वो हमारे इटैलिक में होने लिखे होने चाहिए। दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन देयर ओरिजिन, ये हमारे लैटिन ओरिजिन को ड्राइव करते हैं, ये पता चलता है लैटिन ओरिजिन से हमारा जो होता है बायोलॉजिकल नेम के जो हमारे होते हैं इसमें जो हमारे लैटिन से लिखे होते हैं और इसमें इटैलिक से लिखे होते हैं, दे लैटिनाइज एंड ड्राइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंटेड एट जीनस, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकंड कंपोनेंट जो हमारा होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड रूल कहता है बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग, दोनों वर्ड को जब हम हैंड राइटिंग से लिखेंगे सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे और जो वो प्रिंट करेंगे उनको हम तो इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, तो उनको प्रिंट करेंगे वो हम इटैलिक में प्रिंट करेंगे क्योंकि उनको वो लैटिन ओरिजिन को दिखाएं अपने, ठीक है। जो फोर्थ रूल था हमारा कि फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है तो जीनस का फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, वाइल जो स्पीसीज एपिथेट का वर्ड जो वो स्मॉल लेटर से
स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाए। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल मैंजीफोरा इंडिका, मैंजीफोरा इंडिका का, क्योंकि मैंजीफोरा इंडिका में यम जो हमारा मैंजीफोरा ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है, स्टार्टिंग का वर्ड यम मैंजीफोरा ये कैपिटल में है और इंडिका जो है हमारा स्पीसीज में डिनोट करता है ये, तो ये स्मॉल में लिखा गया है स्मॉल लेटर से। नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, जो हमारे ऑथर मतलब जिस ऑथर ने हमारा नामकरण किया है तो उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाए। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम द रिटन इन एब्रिविएटेड फ्रॉम द, जैसे हमारा मैंजीफोरा इंडिका लिन, मैंजीफोरा इंडिका लिन 2019 में ये क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में, ठीक है, उसमें दिया चार ऑप्शन में दिया गया था कौन सा ऑप्शन सही है, मैंजीफोरा किन मैंजीफोरा का, तो इट इंडिकेट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइबड बाय लिनियस, ये हमारा मैंजीफोरा इंडिका लिन स्पीसीज के बाद में लिखा गया, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी ये थी मैंजीफोरा की स्पीसीज को हमारे लिनियस साहब ने डिस्क्राइब किया था। सिंस द नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स मेक दिस पॉसिबल दिस प्रोसेस का क्लासिफिकेशन, तो हम इसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल बाई एनी थिंग इज ग्रुप इन टू कन्वीनियंट कैटेगरी, क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को हम कन्वीनियंट कैटेगरी में उसके क्लासीफाइड कर दें बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, किसी इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के थ्रू हम उसको ईजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर के थ्रू उसको हम क्लासीफाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग कैट और इंसेक्ट, हम किसी चीज़ को देख लेंगे कि एनिमल है ये प्लांट है ये इंसेक्ट है ये डॉग है, तो उसको हम अलग अलग क्लासीफाइड कर दें क्लासीफिकेशन कर दें उसका। द मोमेंट वी यूज एनी दीज टर्म वी एसोसिएटेड सर्टन करेक्टर विद ऑर्गेनिज्म इन डेट ग्रुप, वाट डू यू सी यू थिंक द डॉग, जब हम डॉग के बारे में देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि उसके दो कान होते हैं पूंछ होती है वो भी टेढ़ी सी है ना, ये हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। सी ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस सी डॉग नॉट कैट, जब हम डॉग के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ डॉग के बारे में सोचेंगे कि उस कैट के बारे में नहीं सोचेंगे ना। Now we would think the Alsatian, Alsatian जो होता है हमारा एक टाइप का डॉग होता है, डॉग की प्रजाति होती है। वी शुड डेट वी आर टेकिंग अबाउट, तो हम जिस सोचते हैं कि इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोर्ट वी वर सेज मेमल्स, जब हम मेमल्स के बारे में सोचते हैं वी वुड ऑफकोर्स थिंक एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर ऑन देयर बॉडी हेयर, जब हम मेमल्स के बारे में सोचेंगे तो उसके दो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और बॉडी में हेयर्स होते हैं। Likewise in plants, जब हम प्लांट के बारे में सोचेंगे try to wheat, जैसे हम wheat के बारे में बात करेंगे तो ये पिक्चर हमारा माइंड हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है wheat प्लांट के लिए, तो हम उस टाइम राइस प्लांट के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि हमको wheat प्लांट के बारे में पता है उसकी इमेज हमको पता है, ठीक है। फॉर एनी अदर प्लांट्स हेंस ऑल दीज डॉग कैट मैमल्स वीट राइस प्लांट एनिमल ईच कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, ये सारी हम कन्वीनियंट कैटेगरी जो हमारी हैं ये सब ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज कॉल्ड टैक्सा, इनको हम टैक्सा बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में हम इनको टैक्सा बोलते हैं, दीज आर कैटेगरी, ठीक है। हिंस वी मस्ट रिकोगनाइज डेट टैक्सा कैन बी इंडिकेटेड कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल, प्लांट आल्सो फॉर ए टैक्सा, प्लांट के लिए भी एक टैक्सा है वीट के लिए भी टैक्सा है, सिमिलरली एनिमल मैमल्स डॉग्स आल आर टैक्सा, सभी के लिए टैक्सा है। बट यू नो डॉग इज ए मैमल्स, ये हम जानते हैं कि डॉग जो हमारा मैमल्स है और मैमल्स जो होते हैं हमारे एनिमल होते हैं, ये भी हमको पता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से। देयर फॉर एनिमल मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंटेड टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, हेंस बेस्ड ऑन
कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट टैक्सा। हम कैरेक्टर के बेसिस पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाइड कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासीफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। ये हमारा जो क्लासीफिकेशन का प्रोसेस है इसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर के साथ, एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशन से कंपेयर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। आर एसेंशियल एंड फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए हमको क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी, ठीक है। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। जो हमारा कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है एंड नोमेनक्लेचर होता है, ये प्रोसेस हैं बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी जो है वो कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बींग इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी जो है वो कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग जो हमारा था वो पहले हमेशा से, सदैव हमेशा से वो इंटरेस्टेड था जानने में नए नए ऑर्गेनिज्म के बारे में, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, नए नए ऑर्गेनिज्म के बारे में, पर्टिकुलर विथ रिफरेंस टू देयर ओन यूज। वो अपने खुद के मतलब जो ऑन यूज के बारे में वो इंटरेस्टेड था। इन अर्लियर डे ह्यूमन बींग नीड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स। जो कुछ पहले जब पहले के समय में मतलब प्राचीन काल में कुछ समय पहले, तो हमारा जो ह्यूमन बींग था वो किसी चीज़ को अपने बेसिक यूज के बेसिस पे क्लासीफाइड करता था। उसको जिस हिसाब की ज़रूरत होती थी उसी चीज़ के हिसाब से वो अपने आप को क्लासीफाइड कर लेता था, किसी चीज़ को डिवाइड कर लेता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है। ऐसे बेसिक नीड्स क्या होती है ह्यूमन की? बेसिक नीड जो होती है हमारी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारा होता है बेसिक नीड होता है। हेंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो हमारा पहले के क्लासिफिकेशन थे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे, वर बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अपने यूज के अकॉर्डिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड कर दिया गया था। हेंस ह्यूमन बींग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी। ह्यूमन बींग सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जाने, बट वो इंटरेस्टेड इसमें भी था कि उसकी रिलेशनशिप के बारे में भी जाने, किसके साथ उनकी रिलेशनशिप है, कैसे किस टाइप से अटैचमेंट है सभी का, कौन कौन से, इसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और एवोल्यूटरी रिलेशनशिप। तो वो सभी को जानने के बारे में इंटरेस्टेड था। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टमेटिक। तो ये सब हम सिस्टमेटिक तरह से पढ़ते हैं, तो हमारा दिस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो हमारा सिस्टमेटिक वर्ड है ये हमारा कहाँ से ड्राइव हुआ? लैटिन वर्ड हमारा है सिस्टमा। सिस्टमेटिक जो है हमारा लैटिन वर्ड सिस्टमा से ड्राइव हुआ, विच इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना हमारा सिस्टमेटिक कहलाता है। लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरा। लिनियस ने अपनी जो पब्लिकेशन निकला था उसमें सिस्टमा नेचुरा अपना पब्लिकेशन का टाइटल लगा था। द स्कोप, ये क्वेश्चन आता है मेडिकल एग्जाम में, पूछ लेते हैं व्हाट इज सिस्टमा नेचुरा, सिस्टमा नेचुरा किसने पब्लिश किया था या किसने दिया था, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो सिस्टमेटिक का स्कोप था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। हम आइडेंटिफिकेशन करते गए, ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करते गए, उनको क्लासीफाइड करते गए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। सो सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूटरी रिलेशनशिप। जो हमारा सिस्टमेटिक था, सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूटरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म।
सिस्टमेटिक जो होता हमारा ये इवोल्यूटरी रिलेशनशिप में अकाउंट किया जाने लगा। ठीक है, सिस्टमेटिक ये हमारा ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आफ्टर डैट वी डिस्कस करते हैं टेक्नोमिकल कैटेगरी। टेक्नोमिकल हमारी कैटेगरी क्या हैं इनके बारे में हम देखते हैं। द क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप, इसमें स्टेप वाइज हमारे जो होते हैं हायरार्की, अभी हम आगे पढ़ेंगे टेक्नोमिकल हायरार्की के बारे में देखेंगे। तो इसमें स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन जिनको हम हायरार्की बोलते हैं, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंटेड रैंक और कैटेगरी। जो हमारा ईच स्टेप होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे रैंक और कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्नोमिकल अरेंजमेंट, जो हमारा कैटेगरी होता है वो ओवरऑल टेक्नोमिकल पार्ट का अरेंजमेंट होता है। इट इज कॉल्ड द टेक्नोमिकल कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूंट ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती हैं वो मिलकर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाती हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारी प्रत्येक कैटेगरी होती है वो हमारे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिफ़र करती है। तो कैटेगरी रिफर एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंटेड ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सोन। ये रैंक को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम कॉमनली टर्म दे देते हैं टैक्सोन। टैक्सोन जो हमारा सिंगुलर वर्ड है बट इसका प्लूरल वर्ड है जो टैक्सा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ टैक्सा। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाई एन एग्जाम्पल। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और हायरार्की के बारे को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट जो होता है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स। जो शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर जॉइंट अपेंडिजेज इसके होते हैं, थ्री पेयर जॉइंट अपेंडिजेज को बोलते हैं। ये हमारा इंसेक्ट जो हमारे ये हमारे आर्थ्रोपॉड्स में रखे गए हैं, इनको हम एक्सापोडा भी बोलते हैं क्योंकि जॉइंट अपेंडिजेज इनका जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, इसीलिए हम इसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड बट दस वी गिवन ए रैंक और कैटेगरी। हम इसको देख के बता देते हैं कि ये हमारा इंसेक्ट है, इसको हम क्लासीफाइड कर दिया गया है कि इसमें एक्सापोडा होते हैं और कैटनिया से दो स्केलेटन होता है इंसेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं क्लासीफाइड कर देते हैं और ये एक रिप्रेजेंट वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आप ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हैं? तो यस, बता सकते हैं हम लोग कि एनलिड्स में एनलिडा में क्या होता है, मोलस्का में क्या होता है, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं और तभी जानते हैं, तो हम ये बता सकते हैं, पहले ही बताना बहुत मुश्किल था। ठीक है, रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंटेड कैटेगरी। जो हमारा होता है ग्रुप जो होते हैं ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोटेड, जो कैटेगरी होती है हमारी फर्दर डिनोट करती है रैंकों को। जो और जो ईच रैंक होता है, जो ईच रैंक और टैक्सोन, इनफैक्ट जो ईच रैंक होता है टैक्सोन होता है हमारा, ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंटेड ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारा ईच रैंक और टैक्सोन होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है हमारा स्पेसिस होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। दी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम। जो हमारा हाइएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है हमारा किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, ये फाइलम किंगडम होता है, फाइलम होता है, फाइलम हम एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं और डिवीजन हम प्लांट के केस में बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है फॉर प्लांट के लिए डिवीजन, फिर आता है क्लास आता है, उससे लोवर में ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है और फिर हमारा स्पीसीज आता है। ये बेसिक हमारी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है स्पीसीज हमारी। ऑल लिविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज स्पीसीज ए लोवेस्ट कैटेगरी। जो हमारी बताया गया स्पीसीज जो हमारी लोवेस्ट कैटेगरी होती है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है हमारी स्पीसीज होती है। नाउ क्वेश्चन हाउ मे आस्क इज हाउ टू प्लेस इन ऑर्गेनिज्म में वेरियस कैटेगरी। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसको विभिन्न विभिन्न कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैसे प्लेस करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। देखते हैं हम आगे। द
द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमको भाई क्लासीफाइड करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाइड करने के लिए हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल उस ग्रुप के, या तो उसके ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए या किसी एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब इसमें ये आर्थोपोडा है, ये इंसेक्ट है तो इसके हेक्सापोडा है, कार्टिनस एक्सोस्केलेटन्स हैं, ये आर्थोपोडा का मेंबर है। तो इसको हम उसी हिसाब से क्लासीफाइड करके उसे अलग ग्रुप पर रख देंगे। और उसी टाइप का अगर कोई मुझे फिर से कोई मिलता है, ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो हम उसको भी उसी में रख देंगे। ठीक है, दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। उसमें सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है उसके बेसिस पे हम क्लासीफाइड करेंगे और देखेंगे कि ये इससे सिमिलर है, इससे मिल रहा है तो हमको इसके रूप में रख देंगे, ये इंसेक्ट है तो इसको हम इंसेक्ट में रख देंगे, ये प्लांट है प्लांट में रख देंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो हमारा ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज दें तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। टैक्सोनॉमिकल कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। जो स्पीसीज होता है टैक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ, इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है। ठीक है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिफरेंस। हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, वो देखने में फिजिकल अपीयरेंस उसका क्या है, देखने में कौन सा कैसा है, तो उसको हम एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, ह्यूमन अलग से, ह्यूमन की देखने में फिजिकल अपीयरेंस अलग है, प्लांट का देखने में अलग है, तो हम उसको डिफरेंट बता सकते हैं कि एनिमल है या प्लांट है, इंसेक्ट है वगैरह वगैरह, तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्लासीफाइड कर सकते हैं। लेट यू कंसीडर मैंजीफोरा इंडिका। हमने मैंजीफोरा इंडिका के बारे में हमने देखा था अभी कि वो जो कैरोलस लिनियस सामने थे, बायोलॉजिकल बायनोमियल क्लासिफिकेशन हमारा दिया था, तो उसमें मैंजीफोरा इंडिका के बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो लेट कंसीडर मैंजीफोरा इंडिका सोलनम ट्यूबर्सियम। सोलनम ट्यूबर्सियम जो होता है हमारा पोटैटो का नाम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है। पैंथेरा लियो जो होता है हमारा लैंड का नाम होता है। ठीक है, ऑल द थ्री नेम्स, ये इन थ्री नेम्स में जो हमारा स्पीसीज के हमने बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर में देखा था, तो फर्स्ट जो था फर्स्ट वर्ड था हमारा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और सेकंड नेम जो था हमारा स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता था, और जो जीनस था वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता था। ठीक है, तो इसमें मैंजीफोरा इंडिका में तो स्पीसीज तो हमारी इंडिका हो गई, सोलनम ट्यूबर्सियम में हमारी स्पीसीज हो गई ट्यूबर्सियम, एंड पैंथेरा लियो में स्पीसीज हो गई लियो, रिप्रेजेंटेड द स्पेसिफिक एपिथेट्स, स्पीसीज के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल फर्स्ट वर्ड मैंजीफोरा सोलनम एंड पैंथेरा आर जीनस, ये हमारे जीनस हैं, एंड रिप्रेजेंटेड इन अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। जो हमारा स्पीसीज से हायर लेवल है वो हमारा जीनस है, तो हमारा जो स्पीसीज है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके बाद जीनस आता है। ठीक है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज एपिथेट के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, एंड सोलनम इंक्लूडिंग स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलेंजेना। ठीक है, ह्यूमन बींग बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस। ह्यूमन बींग की जो स्पीसीज है होमो सेपियंस है, होमो उसका जीनस है, सेपियंस उसकी स्पीसीज है। विच ग्रुप इनटू जीनस हमारा दिया है होमो। ठीक है, द साइंटिफिक नेम डेट दस फॉर ह्यूमन बींग्स रिटन एज होमो सेपियंस। जो होमो सेपियंस जो होता है जो हमारा साइंटिफिक नेम है ये हमारा होमो सेपियंस ह्यूमन का। ठीक है, तो हम सेकंड कैटेगरी के बात में करते हैं जीनस के बारे में। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जो हमारा जीनस होता है उसमें
स्पीसीज को कंपराइज करते हैं, रिलेटेड स्पीसीज को मोर कैरेक्टर्स इज कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीसीज एन अदर जेनरा। जो हमारे जेनरा में जीनस में होते हैं उसमें हमारे स्पीसीज के कैरेक्टर्स मोर कॉमन होते हैं देन अदर जेनरा। ठीक है, वी कैन से डेट जेनरा आर एग्रीगेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो हमारा जेनरा होता है या जीनस होता है उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं वो उनके कैरेक्टर एग्रीगेट होते हैं, मतलब उनके करेक्टर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पोटैटो ब्रिंजल टू डिफरेंट स्पीसीज। जो पोटैटो और ब्रिंजल जो होता है हमारा, बैंगन और आलू दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट जो हमारे इनके जो जीनस हैं, जो इसका जीनस है जीनस सोलनम, ये हमारा सेम है। जीनस हमारा सोलनम जो है वो हमारा जीनस सेम है। सोलनम ट्यूबरशम होता है पोटैटो, और सोलनम ट्यूबरशम हमारा होता है पोटैटो का। ठीक है, और सोलनम मिलेंगेना होता है हमारा बिलेंजर का। ठीक है, बट टू डिफरेंट स्पीसीज। और यहाँ पे हमारा दिया गया है लायन का पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पैराडिश। ठीक है, जो पैंथेरा पैराडिश होता है हमारा लियोपार्ड का नाम होता है, और जो पैंथेरा लियो होता है वो लायन का नाम होता है, एंड पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है हमारा टाइगर का नाम होता है। वेल साइंटिफिक नेम विद सेवरल कॉमन फीचर्स इनमें होते हैं आर आल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। इनकी जो स्पीसीज है, ठीक है, इनका जो जीनस है वो पैंथेरा है, बट इनका जो नाम है वो अलग अलग है, स्पीसीज अलग अलग है बट जीनस सेम है इनका। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। जो हमारा जीनस होता है ये अलग है, हमारा फेलिस का जीनस जो है हमारा अलग है। ठीक है, फेलिस होता है हमारा कैट का और कैनिस होता है हमारा डॉग का, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, फैमिली। फैमिली का नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, पहले हमारा स्पीसीज आया, फिर जीनस आया, फिर फैमिली आया। ठीक है, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो हमारे फैमिली में होते हैं इसमें हमारे जेनरा में सिमिलरिटी पाई जाती है, हमारे जीनस जो होते हैं वो फैमिली से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली आर कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जो फैमिली में होते हैं हमारे ये वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस फैमिली सोलनम सोलनेसी। ठीक है, जो हमारे फैमिली में होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑन बेसिस बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के लिए हमको दिया गया है थ्री डिफरेंट जेनरा दिए गए हमारा सोलनम जो पिटूनिया एंड धतूरा प्लेस्ड ऑन फैमिली सोलनेसी। ठीक है, हमारे तीनों सोलनेसी में प्लेस किए गए हैं पिटूनिया धतूरा सोलनम फैमिली सोलनेसी। एलोंग एनिमल फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन। जो हमारा पैंथेरा भी हमने देखा था, पैंथेरा था इसमें पैंथेरा टाइग्रिस था, पैंथेरा लियो था, पैंथेरा लियोपार्ड था। ठीक है, इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस। जो हमारा था ये कैट का है इन फैमिली फेलिडी। जो कैट की फैमिली है वो फेलिडी है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट, अगर आप कैट के फीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड डॉग के, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल एज। जब हम कैट और डॉग का सिमिलरिटी हम कंपेयर करेंगे तो कुछ उसमें सिमिलरिटी मिलेंगी, कुछ डिसिमिलरिटी मिलेंगी, जो कि हम जानते हैं क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी है। दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिलीज। जो हमारी कैट की फैमिली होती है वो फेलिडी होती है, एंड कैनिडी जो होती है वो हमारी डॉग की होती है। आफ्टर फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में देखेंगे। Have you seen earlier that category like species, genus and family are based on number of similarity and characters? Generally, order and other higher taxonomical category are identified based on aggregate characters. Order being a higher category,
जो हायर ऑर्डर होता है हमारा फैमिली से हायर कैटेगरी है। ठीक है, ऑर्डर बींग हायर कैटेगरी इज असेंबलेट ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलरिटी ऑफ करेक्टर, जो हमारा फैमिली से कुछ सिमिलरिटी रखता है क्योंकि फैमिली से हमारा क्लोजली रिलेटेड है, सिमिलरिटी रखता है। द सिमिलर कैरेक्टर और लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन फैमिली, मतलब हमारा ऑर्डर है वो फैमिली से क्लोजली रिलेटेड है, उसके पास का है तो उसमें सिमिलरिटी रखता है देन जेनरा से, कि मतलब हमारा जीनस से सिमिलरिटी कम रखता है बट फैमिली से ज़्यादा रखता है। प्लांट फैमिली लाइक कॉनवोलेशी सोलेनेसी आर इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमिनल्स, जो हमारी फैमिली हैं कॉनवोलेशी सोलेनेसी इसको हम ऑर्डर पॉलीमिनल्स में रखे हैं, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसको हम ऑर्डर पॉलीमिनल्स में रखे हैं। इन एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा एनिमल्स में ऑर्डर जो हमारा कार्निवोरा होता है तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं फेलिस को, कैनिस को, क्योंकि ये हमारे जो होते हैं कार्निवोर हैं, मांसाहारी जिसको हम बोलते हैं। अब आप देखते हैं हम क्लास के बारे में, टैक्सोनॉमिकली ये भी हमारा क्लास का है, ये देखते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग हमारा ऑर्डर प्राइमेटा में आता है मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है, गिब्बन या जिब्बन जो भी पढ़ो आप इसको पढ़ लो। इन क्लास मेमिल, मेमिलिया इंक्लूड करते हैं उनको हम, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास हमारा मेमिलिया होता है तो ऑर्डर प्राइमेटा में हमारे आते हैं मंकी गोरिल्ला एंड गिब्बन। ठीक है, एंड अदर कार्निवोरा डेट इंक्लूड, कार्निवोरा में हम इंक्लूड करते हैं टाइगर को, कैट को, डॉग को, क्लास मैमल हैज अदर ऑर्डर आल्सो। अब हम देखेंगे फाइलम के बारे में। क्लास कंपरेजिंग, क्लासेस कंपरेजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ये हम फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, हमारे प्लांट सॉरी एनिमल किंगडम में हमारे फाइलम्स हैं बहुत सारे, है ना। फाइलम रेप्टाइल है, एवीज का हमारा फाइलम है अलग से, मैमल्स का है, वर्टिब्रेट का है, ये सब हम देखेंगे आगे। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल नर्व कॉर्ड आर इंक्लूडिंग इन कॉर्डेट्स, जो हमारा तो कॉर्डेट्स के करेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, कॉर्डेट्स के करेक्टर जो होते हैं उसमें फीचर्स होते हैं बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, ये हमारा कॉर्डेट्स के फीचर्स हैं। ठीक है, इन केस प्लांट क्लासेज विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर एजाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, इन प्लांट के केसेस में हम इसको डिवीजन बोलते हैं बट एनिमल के केसेस में हम इनको फाइलम बोलते हैं। अब जो हायर कैटेगरी हमारा है टैक्सोनॉमी की हायर कैटेगरी जो हमारी किंगडम है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आर एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फाइला से बिलोंग करते हैं। आर एजाइन टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम, एनिमिलिया इज एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, द किंगडम प्लांटिंग ऑन अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन, हेंस वी रिफर टू एज टू ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैज बीन शोन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट विथ स्पीसीज इन फिगर 1.1। ये हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो हमारा दिखाया गया है, इसके हमारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हायरार्की की असेंडिंग ऑर्डर हमको दिखाई गई है उसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे। लुक द हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, हम हायरार्की 1.1 में जो फिगर दिया गया है इसको हम देख के ये बताएंगे कि बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या है। से फॉर एग्जाम्पल गो वी हायर, ये इम्पॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज, जैसे जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम हायर कैटेगरी में जाते हैं द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीज, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो तो हमारे कम होते जाते हैं लोअर देन लोअर टैक्सन, मोर द कैरेक्टरिस्टिक डेट मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर, जो हमारे लोअर टैक्सन में होते हैं वो कॉमन कैरेक्टर्स
ज़्यादा होते हैं, मैच करते हैं दोनों में। बट जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में जाएंगे तो हमारे कॉमन फीचर्स जो होंगे कम होते चले जाएंगे। हायर कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल। तो हायर कैटेगरी जैसे हमारा किंगडम, उसमें हमें डिफिकल्टी होती है रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए फॉर सेम लेवल ऑफ टैक्सा में, ठीक है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए हमारी जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी वो मोर कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले इसके टेक्नोमिकल हायरार्की के बारे में। जो हमारा दिया गया है लोबे, जो हमने बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का स्पीसीज था, उसके बाद जीनस आता है हमारा, जीनस के बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन। फाइलम होता है हमारा एनिमल के केस में और डिवीजन जो होता है हमारा प्लांट के केस में होता है। हायर लेवल जो टैक्सोनॉमिकल होते हैं वो हमारा किंगडम होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं हमें, उनकी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी दिए हुए हैं। तो हमारा कॉमन नेम दिया हुआ है मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का। यहाँ तक मेडिकल के एग्जाम में आप पूछ लेते हैं कि इसका सफिक्स क्या है, फैमिली का सफिक्स क्या है, ऑर्डर का सफिक्स क्या है और बायोलॉजिकल नेम क्या है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देते हैं, कैसे भी तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। सो इसका कॉमन नेम हमारे सबसे पहले दिया गया है मैन का। तो इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है हमारा होमो सेपियंस होता है, हमने देखा है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया होमो, होमो हो गया हमारा जीनस, और सेपियंस जो हो गया हमारा स्पीसीज हो गया। हमें इसमें दिया है जीनस, होमो हो गया। अब यहाँ पे स्पीसीज के बारे में नहीं दिया है, तो हम लोग जानते हैं सेकंड वर्ड जो होता है हमारा वो स्पीसीज, स्पीसीज का होता है और स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी फैमिली जो होती है होमो, होमोनिडी दिया है, इसके हम ह्यूमन से पता लगा लेंगे कि बालो होमोनिडी फैमिली है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है प्राइमेटा होता है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है मैमल्स का, ऑर्डर प्राइमेटा होता है। और इसका क्लास जो होता है वो मैमिलिया होता है। और जो इसका फाइलम होता है हमारा, फाइलम होता है वो कॉर्डेट, कॉर्डेटा होता है, ठीक है। कॉर्डेट के फीचर्स होते हैं नोटोकार्ड होता है, डॉर्सल वालोर नूलर कार्ड होता है, ठीक है। और फिर सेकंड में हमको दिया गया है हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई का जो हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका होता है, जो जिसमें मस्का हमारी जीनस हो गया और डोमेस्टिका हमारी स्पीसीज होगी। अब इसकी जो हमारी फैमिली हो गई वो मस्कुडी होगी, मस्कुडी, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर हो गया वो डिप्टेरा हो गया। ये पूछते हैं मेडिकल एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट रहते आ जाता है। ऑर्डर इसका हो गया डिप्टेरा हो गया। और इसका जो क्लास है हमारा ये इंसेक्ट में आते हैं हमारे, हाउस फ्लाई जो हमारी इंसेक्ट है तो इसको हम ऑर्डर इंसेक्ट में रखते हैं, क्लास इंसेक्ट में रखते हैं सॉरी, ठीक है। इसका जो फाइलम हो गया हमारा आर्थ्रोपोड्स हो गया। आर्थ्रोपोड्स में हम ये पढ़े हैं इंसेक्ट के बारे में, हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ते हैं इनको, हम इंसेक्ट को एक्सापोडा भी बोलते हैं क्योंकि इसके सिक्स पैर होते हैं, थ्री पेयर, ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं मैंगो के बारे में। मैंगो हमारा होता है आम का बायोलॉजिकल नेम है, क्या है, मंजीफेरा इंडिका, जिसको सबसे पहले लिनियस साहब ने अपने बायनोमिया नोमेनक्लेचर में बताया था, ठीक है। तो इसमें हमारा मंजीफेरा इंडिका में हमारा मंजीफेरा जो हो गया वो हमारा जीनस हो गया और जो इंडिका हमारी हो गई वो स्पीसीज हो गई, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मैंगो की फैमिली पूछते हैं कौन सी एनाकार्डियेसी है। इसका जो होता है ऑर्डर होता है सेपेंडेल्स होता है, इसका जो ऑर्डर है वो सेपेंडेल्स ऑर्डर है। और इसकी जो क्लास है डाइकोटिलेडॉन होते हैं, डाइकोटिलेडॉन मोनोकोटिलेडॉन, ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डाइकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं, मोनोकॉट क्या होते हैं, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इसकी हमारी फाइलम सॉरी इसका जो हमारा डिवीजन होता है जो एंजियोस्पर्म के अंदर हम रखते हैं इसको, ठीक है। एंजियोस्पर्म हमारे होते हैं फ्लॉरिंग प्लांट जिसको हम बोलते हैं, ये सब हम सभी टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आफ्टर फिर हम देखते हैं वीट, वीट के बारे में यानी गेहूं के पौधे के बारे में। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, ट्राइकम स्टाइवम। इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है ट्राइकम स्टाइवम होता है। इसमें जीनस होती है हमारी ट्राइकम होती है, ट्राइटिकम होती है। और इसकी जो स्पीसीज होगी स्टाइवम होगी। इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी होती है, पोएसी, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है पोल्स होता है,
जो ऑर्डर में हमारा होता है एल्थ सफिक्स होता है, और फैमिली में जो होता है हमारा एसी सफिक्स होता है, एसी। ठीक है, जैसे हमारी फैमिली से सोलन एसी, ठीक है, फव एसी, लिली एसी, तीन एनसीईआरटी में हमारी फैमिली दिए गए हैं। इनको ऑर्डर में देखेंगे तो फव एसी, सोलन एसी या लिली एसी। ठीक है, जो हमारा होता है वीट होता है हमारा मोनोकॉट होता है, और ये हमारा एंजियोस्पर्म में होता है, फ्लावरिंग प्लांट में भी आता है, इसको हम ये देख लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज प्लांट्स एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। जो हमारी टैक्सोनॉमिकल स्टडी थी हमारी यूजफुल किसमें हुई, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इन जनरल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज के बारे में एंड देयर डाइवर्सिटी। दीज स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो टेक्टोनॉमिकली स्टडी थी इससे हमारे ऑर्गेनिज्म का सही से क्लासिफिकेशन हो सका और उनका आइडेंटिफिकेशन हो सका। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो उसमें हमें ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारी लेबोरेटरी एंड बहुत सारा फील्ड वर्क होता है, फील्ड स्टडी होता है, तभी हम उसको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसीमेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट का हमें एक्चुअल स्पेसीमेंस मतलब उसका हमारा एक्चुअल पौधा चाहिए है तो स्पेसीमेन। ठीक है, एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए हमको किसी भी चीज़ का, जैसे हमको प्लांट का स्टडी करना है तो उसका हमको स्पेसीमेन चाहिए। ठीक है, या एनिमल का करना है तो के लिए हमें उसका एक्चुअल स्पेसीमेन चाहिए, तभी हम अच्छे से उसकी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक। ये हमारा फंडामेंटल स्टडी के लिए एसेंशियल हैं, और इसको सिस्टमेटिक फिर हम अरेंजमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, इट यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर इज आल्सो स्टोर अलोंग विद द स्पेसिमेंस। हम इसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हम स्टोर कर लेते हैं स्पेसिमेन के रूप में। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। कुछ केसेस में हम जो होते हैं स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर स्टडी के लिए, कि एक बार हमने इसको अच्छे से आइडेंटिफाई वगैरह कर लिया, हमको पता चल गया कि ये पौधा है या ये ऑर्गेनिज्म या प्लांट एनिमल जो भी है, इसको उसके बारे में सारी स्टडी करके उसके स्पेसिमेंस को हम एक कलेक्ट करके रख लिया कि हमें फ्यूचर में कभी स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी से अपना देख लेंगे। ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैव स्टेबलाइज सर्टेन प्रोसीडर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस। जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सर्टेन प्रोसीजर स्टेबलाइज किए और उनके स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। सम दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज एड्स। तो कुछ के बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है, इनके यूजेज के बारे में बताया गया है, जिसको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। वो एड्स अलग होता है, एच आई वी वाला, ये एड्स है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, वो एड्स होता है, एड्स, ये एड्स है। ठीक है, जो पहला हमको दिया गया है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसीमेन डेड और ड्राइड। जो हर्बेरियम होता है वो हमारे प्लांट के स्पेसीमेन को कलेक्ट करते हैं, उसको हम सुखा लेते हैं, ड्राइड कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, प्रेस्ड कर देते हैं उनको, और फिर प्रिजर्व ऑन सीड। हर्बेरियम की जो हमको सीड होती है बनाने को होता है हमारा बॉटनी के प्रैक्टिकल में, तो हम किसी प्लांट का स्पेसीमेंस लाए, हम किसी मैंगो का लाए स्पेसीमेन या गुलाब का लाए, किसी का लाए, उसको हम उसकी पत्तियों को सुखाया और उसको सीड में प्रिजर्व कर लिया, उसको चिपका दिया प्रेस्ड करके, कि ताकि वो
इसको हम सुखाते इसलिए ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। और फिर फर्दर दी सीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इस सीट को हम अरेंज करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ये हमारा जो दिखाया गया हर्बेरियम का फिगर्स है, हमारा हर्बेरियम का ये सब दिखाया गया है, इसमें हम सब फाइलें रखी हैं, इसमें सब बताया गया है, ठीक है। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीड, हर्बेरियम सीड में एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें हम सारी स्क्रीन लिख लेते हैं कि इसमें कहाँ से लाए हैं पौधे को, इस पौधे का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है, लोकल नेम क्या है, इसमें कलेक्टर नेम क्या है। हर्बेरियम सीड एक चीज़ के बारे में नहीं बताती है, प्लांट की हाइट के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हर्बेरियम सीड जो होती है वो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती, तो हम इसका आंसर होता है कि हमारी जो हर्बेरियम सीड होती है वो प्लांट की हाइट के बारे में नहीं बताती। ये क्वेश्चन हमारा बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में पूछते हैं, देख लेते हैं। हर्बेरियम सीड में हम इसका डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी, इसको एक स्टोर हाउस और रिपोजिटरी में हम रख लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए। इन हर्बेरियम सीड आल्सो कैरी ए लेबल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। हर्बेरियम सीड में जो लेबल होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बारे में हमको बताया गया है। क्या क्या बताया गया है कि वो हमारा जो होता है डेट के बारे में, किस डेट को हम लाए उस पौधे को, ठीक है, कहाँ से लाए, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से हम उस पौधे को लाए, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बॉटेनिकल नेम, उसका इंग्लिश नेम होता है कि पौधे का इंग्लिश नेम क्या है, ठीक है, लोकल नेम क्या है, और इसका हमारा बॉटेनिकल नेम क्या है। जैसे मैंगो का पौधा लाया, ठीक है, मैंगो का हमारा बॉटेनिकल नेम हो गया मैंजीफोरा इंडिका, ठीक है, उसका लोकल नेम हम जो आम के बारे में जो भी बोलते होंगे उसको लिखेंगे, उसका इंग्लिश नेम लिखेंगे, ठीक है, और उसकी फैमिली के बारे में, ठीक है, उसकी फैमिली क्या है, ठीक है, कलेक्टर का नेम क्या है, कौन सा मतलब किस व्यक्ति ने उसको कलेक्ट किया है उसका नेम, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे नहीं बताया गया है कि प्लांट की हाइट के बारे में, हमको हर्बेरियम सीड में नहीं बताया गया है कि हम इस, ठीक है, इट्स हर्बेरियम आल्सो सर्व एज, जो हर्बेरियम होता है हमारा ये सर्व एज क्यूक रिफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए क्यूक रिफरल सिस्टम हमारा हर्बेरियम होता है। अब हमको किसी चीज़ की प्लांट के बारे में स्टडी करनी है तो हम देखेंगे फाइल में हमारा हर्बेरियम की, वहाँ पे गए, देखा फाइल निकाली और फटाक से इसको हमने फटाफट से पढ़ लिया कि हमको जल्दी क्यूक रिफरल सिस्टम मिल गया, ठीक है। सेकेंड है हमारा बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन के बारे में तो सभी ने सुना है, अच्छे से जानते हैं, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम म्यूजियम, ये सभी ने सुना है, पढ़ रखा है, ठीक है। सो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, दीज स्पेशलाइज गार्डन, ये ऐसे गार्डन होते हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ये हम देखेंगे। हर्बेरियम में तो हमारा ड्राइड प्लांट के स्पेसिमेन थे, बट हमारा जो बॉटनिकल गार्डन होता है इसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं फॉर रिफरेंस। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। जो बॉटनिकल गार्डन में जो होती हैं प्लांट की स्पीसीज को हम ग्रो करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, एंड ईच प्लांट लेबल्ड, उनमें प्लांट में लेबल्ड कर देते हैं एक प्लांट का नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, एंड उसकी फैमिली क्या है, वो हम उसको लेबल कर देते हैं। द फेमस बॉटनिकल गार्डन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको देखेंगे। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू, क्यू हमारा एक प्लेस है इंग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है, फेमस बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी बोलते हैं इसको, क्यू इंग्लैंड में पाया जाता है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है हमारा हावड़ा में है, ठीक है, शिवपुरी, हावड़ा कोलकाता में, शिवपुरी में, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI जो हमारा है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पाया जाता है, ठीक है, ये हमारा NBRI है, ठीक है। आफ्टर हम देखते हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है, म्यूज़ियम को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय, मतलब किसी चीज़ को संग्रह, मतलब संग्रहित करना, ठीक है, इस टाइप से संग्रहालय बोलते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। जो हमारा म्यूजियम होता है हमारे स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजों में होते हैं। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। म्यूजियम में हमारा क्या होता है,
प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं, एनिमल भी होते हैं, बट हमारा जो हर्बेरियम था ओनली उसमें प्लांट्स थे, वो भी डेड प्लांट थे, डेड प्लांट के स्पेसिमेन थे। ये हम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, बना देते हैं टैक्सोनॉमिकल रेट से क्वेश्चन और घुमा देंगे उसी पे, ठीक है। तो हमारा म्यूजियम में होते हैं एनिमल के और प्लांट के, दोनों के हमारे स्पेसिमेन होते हैं, प्रिजर्व करते हैं बाय द प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, फॉर्मेलिन वगैरह, एल्कोहल वगैरह, ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन ए कंटेनर, स्पेसिमेन को हम एक कंटेनर या जार में प्रिजर्व कर लेते हैं थ्रू द प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। ये जो दिया है प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन का नाम नहीं दिया है, पर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन बोल दिया है, तो हम प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन फॉर्मेलिन होते हैं हमारे, ठीक है, अल्कोहल वगैरह होता है उससे। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो प्रिजर्व एंड ड्राई स्पेसिमेन, जो हमारे प्लांट और एनिमल दोनों के हमारे स्पेसिमेन से रखे हैं उसको ड्राई करके प्रिजर्व कर लेते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट जो होते हैं हमारे वो इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व किए जाते हैं, उसको प्रिजर्व करने से हम उसको प्रिजर्व करते हैं, उसके पहले हम कर लेते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, उसको मार देते हैं, इंसेक्ट को कलेक्ट किया उसको मार दिया, और उसके बाद उसको पिंच उभा के इंसेक्ट बॉक्स में रख दिया, ठीक है, मतलब कहीं से उसको जिंदा मत छोड़ो, मार के रख दो, ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट एनिमल लाइक जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स होती हैं और मैमल्स होते हैं, यूजली स्टफ एंड प्रिजर्व, उनको सुखाते हैं, ठीक है, उनके अंदर भूसा भर देते हैं, जैसे हम लोग स्केलेटन देखते हैं, हुमन का स्केलेटन देखते हैं हम लोग, तो उसमें ऐसे उसको हम ऐसे स्केलेटन में उसमें उसके अंदर उसकी चमड़ी हटा के उसको स्टफ करके भूसा भर के उसमें रख दिया, ठीक है। म्यूजियम ऑप्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, जो म्यूजियम में होता है हमारा एनिमल के स्केलेटन को भी रखते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में, जूलॉजिकल पार्क के बारे में तो सभी जानते हैं भाई, बहुत जाते हैं घूमने। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होती हैं, दीज आर प्लेस वर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, ये हम वो स्थान होते हैं जहाँ पे हम एनिमल को रखते हैं, प्रोटेक्टेड इन एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के प्रोटेक्शन में रखते हैं एनिमल को, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड एंड बिहेवियर। हम जूलॉजिकल पार्क में ऐसे व्यक्ति को रखते हैं एनिमल के केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कि जो एनिमल के बिहेवियर के बारे में जानता हो, उसके हैबिटाट के बारे में जानता हो, उसके फूड के बारे में जानता हो, है ना, उसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए खाने का, सब के बारे में जानता हो, उसी हम केयर टेकर को रखते हैं। हम ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड, सभी एनिमल जो होते हैं हमारे जू में पाए जाते हैं, एज फॉर एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट, जो हम एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में रखते हैं तो हमारे उसमें कंडीशन जो होती हैं उनके सिमिलर होनी चाहिए नेचुरल हैबिटाट, जैसे नेचुरल हैबिटाट की जैसे सेम कंडीशन पे उनको रखते हैं। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जू, चिल्ड्रेन यहाँ पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना, बहुत उनको अच्छा लगता है जूलॉजिकल पार्क में जाने में। ये हमको कुछ इसके फिगर्स दिए गए हैं, ये हमारा गैंडा, ठीक है। और हम देखेंगे की के बारे में, की क्या होता है, की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो हमारा की है वो अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स है, ये आइडेंटिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बेस्ड होता है हमारा की, ठीक है। दीज की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन ए पेयर, और कॉल्ड पेयर को हम बोलते हैं कपल्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जो होते हैं हमारे अपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट करेक्टर, ठीक है, इनको हम कपलेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंटेड चॉइस ऑफ मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, ये को हम एक्सेप्ट करेंगे, ये को हम रिजेक्ट कर देंगे, ये कॉन्टेस्टिंग करेक्टर्स होते हैं। ईच स्टेटमेंट इज की इज कॉल्ड लीड, जो हमारा की का प्रत्येक स्टेटमेंट होता है उसको हम लीड बोलते हैं, ईच स्टेटमेंट इज की इज कॉल्ड लीड। सेपरेटेड टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, हमें
अलग अलग कैटेगरी टेक्नोनॉमिकल कैटेगरी के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग की ज़रूरत पड़ती है। सच फैमिली के लिए अलग होगा, जीनस के लिए अलग होगा, टेक्नोनॉमिकल की स्पीसीज के अलग होगा, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए ये हमारे अलग अलग होते हैं। की आर जनरली एनालिटिकल नेचर, जो की हमारी होती हैं एनालिटिकल नेचर में होती हैं, एनालिसिस करके हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरा, फ्लोरा हो गया हम, फ्लोरा फ्लोरा हमारा फ्लोरा से मतलब, फ्लोरा मतलब फ्लावर से। ठीक है, मैनुअल, फ्लोरा मैनुअल हो गया हमारा, मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को मोबाइल की शॉप में जाते हैं, हमको वो कैटलॉग दिखाता है उसका, है ना, स्केलेटन दिखाता है, जिसको हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं हड्डी, हड्डी बॉडी, मोबाइल की बॉडी दिखाता है। ठीक है, वो कैटलॉग सम एंड अदर मीन्स रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये हमारे सब रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है। कैटलॉग जो है हमारा, ये रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है, एक डिस्क्रिप्शन टाइप का होगा, उसमें मोबाइल के प्राइस दिखेंगे वगैरह वगैरह, सब ऐसा दिखाएगा। ठीक है, दीज आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये हमारे सिर्फ ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट, फ्लोरा क्या है हमारा, फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट फॉर हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ए गिवन एरिया। जो हमारा फ्लोरा होता है वो किसी प्लांट के बारे में, उसके एक्चुअल हैबिटाट के बारे में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रेंज क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट के बारे में बताता है। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज पाई जा रही है, उसके इंडेक्स के बारे में भी बताता है। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ, ये सब हमने देख लिया। मैनुअल आर, मैनुअल के बारे में देखते हैं, मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। जो मैनुअल होता है हमारा, ये हमारा यूजफुल होता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्ड स्पीसीज फाउंड इन एरिया, किसी एरिया में हमारी कोई स्पीसीज पा रही है उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। मोनोग्राफ जो होता है, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक। ठीक है, मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर एनी वन टैक्सॉन, जो मोनोग्राफ होता है वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है किसी एक टैक्सॉन के लिए। ठीक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है मोनोग्राफ। तो फिलहाल आज का चैप्टर खत्म होता है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, आने वाले वीडियो में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड अदर्स जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे कवर करेंगे। तो आई होप यू इन्जॉय दिस सेशन, तो थैंक यू, बाय बाय।